मकर संक्रांति का पर्व भारत के कई राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, लेकिन बिहार में ये पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में इस दिन दही चूरा और खिचड़ी खाने की भी परंपरा है। संस्कृति की यह कड़ी दुनिया की सबसे शुरुआत की परंपरा है। इसे आरंभ का प्रतीक भी माना जाता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मकर संक्रांति के दिन दही चूरा और खिचड़ी क्यों खाते हैं? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? आपके इन सवालों का जवाब आज हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पौष मास में जब सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में गमन करते हैं, तब यह खगोलीय घटना संक्रांति कहलाती है। बहुत शुरुआत में यह महज एक खगोलीय घटना थी, लेकिन वैदिक काल में कई घटनाओं ने इसे पवित्र बना दिया। पवित्रता का यह प्रतीक आज तक भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। बिहार में दही चूरा खाने की परंपरा यहाँ उपजी वैदिक कथाओं का असर है। हाल में ही आए एक रिपोर्ट की माने तो झारखंड का सिंहभू समुद्र से ऊपर आने वाला सबसे पहला भूखंड था। कहते हैं कि जब मनु ने पृथ्वी पर बीज रोप कर खेती की शुरुआत की थी, तब अन्न उपजे खीर सबसे पहले पकाए जाने वाला भोजन है, जिसे क्षीर पाक कहा गया। इसके बाद दूध से दही बनाने की परंपरा विकसित हुई, तो धान के लावे को इसके साथ खाया गया। तब भोजन को तले जाने की व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी। महर्षि दधीची ने सबसे पहले दही में धान मिलाकर भोजन की व्यवस्था की थी। बिहार के सारण जिले में स्थित है मां अंबिका भवानी मंदिर। माना जाता है कि सतयुग के समय में ये महर्षि दधीची की तपस्थली थी। कहा जाता है कि एक बार अकाल के समय ऋषि ने माता को दही और धान का भोग लगाया था, तब देवी अन्नपूर्णा रूप में प्रकट हुई और अकाल समाप्त हो गया। आपको बता दें कि दही चूरा खाने की परंपरा मिथिला से भी जुड़ी हुई है। धनुष यज्ञ के समय मिथिला पहुंचे ऋषि मुनियों को दही चूरा का भोज किया था। इतने बड़े आयोजन में ऋषियों को भोजन से इसे प्रसाद के तौर पर लिया गया और फिर दही चूरा की परंपरा चल पड़ी। विज्ञान की माने तो दही चूरा एक ऐसा आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे दूध एक संपूर्ण पेय है, दही चूरा संपूर्ण आहार है। यह बिना पकाए गर्म किए बनता है, इसलिए इसके प्राकृतिक पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए भी दही चूरा खाना शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि दही चूरा की आधुनिक परंपरा को लाने का श्रेय बंगाल के गौड़ सिद्धों को भी जाता है। यह कहानी तब की है जब बिहार नहीं बंगाल ही स्टेट था। यहाँ चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रघुनाथ दास ने बड़े पैमाने पर दही चूरा का प्रसाद बंटवाया था। उन्होंने यह उत्सव सजा के तौर पर किया था, क्योंकि उन्होंने छिपकर सत्संग सुना था। इसके बाद बंगाल में दही चूरा की एक परंपरा बन गई, जो हर उत्सव का साजी है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।